2011 में शुरुआत होती है एक सीरीज की जिसका नाम था यमला पगला दीवाना। उसके बाद 2013 फिर 2018 कॉन्सिक्वेंटली फिल्म आती रहती हैं। 2000 जो 13 वाली आई थी वो ओके ओके थी, यमला पगला दीवाना 2। यमला पगला दीवाना 3 की बात करते हैं जो कि रिलीज हुई है 31 अगस्त को। तो पहले दिन का जो कलेक्शन सामने आया है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन आया है जो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट आया है 4.25 करोड़ का है। जी हाँ, इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात करूं तो यमला पगला दीवाना को नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी ओपनिंग मिल रही है। नॉर्थ इंडिया में ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्यों? क्योंकि देओल फैमिली के दीवाने नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हैं। तो भाई प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग फिल्म जो है, मैंने कहा था कि 4 करोड़ से लेकर 4.45 करोड़ तक करेगी, और यहां पर जो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट आया है वो 4.25 करोड़ तक का है। वेल, आगे देखने वाले जो दिन है यानी कि सैटरडे संडे बहुत ज्यादा क्रूशियल है फिल्म के लिए, और कहीं ना कहीं फिल्म जो है अच्छा बिजनेस करेगी। दर्शकों को लग रहा है कि फिल्म फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, हंसी मजाक के साथ आप देख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप फिल्म देखिए गाइज, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका क्या प्रिडिक्शन था, प्लस आप क्या कहना चाहते हैं, आपको फिल्म कैसी लगी, सारी बातें बोल दीजिए। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातें मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए। टेक केयर।